हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हमारे एक और पेशेंट मिस्टर बिट्टू हल्दर, जिनको हाइटस हर्निया एसिड रिफ्लक्स की तकलीफ थी और हमने इनकी सर्जरी आज से 2 हफ्ते पहले करी थी और आज ये हमारे पास फॉलो अप में आए थे। तो इनका ये 2 हफ्ते का सफर बीमारी से पहले ऑपरेशन और ऑपरेशन के 2 हफ्ते के बाद ये कैसा महसूस कर रहे हैं, तो हम इनसे बात करते हैं और इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। तो बिट्टू, आप कहाँ से आप आए हैं? मैं वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। ओके, तो वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। और आपको ये जो प्रॉब्लम थी एसिड रिफ्लक्स की, ये कितने टाइम से थी? ये सर मुझे 4 साल से प्रॉब्लम है। मैं बहुत डॉक्टर के पास गया, बहुत सारे गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट के पास भी गया हूँ, तो सब लोग मुझे देख के, मेरा सिम्टम देख के सब लोग मुझे, अब मेरे घर वालों को कहता है कि इसका थोड़ा साइको के पास, मतलब साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाइए। और नींद की गोली देता था और नशे की गोली देता था, तो मैं जब भी वो सब गोली खाते थे तो मुझे एकदम जैसे लग सुस्त महसूस होता था, नींद आ जाना, उसके बाद जैसे कुछ किसी काम पे मन नहीं लगता था मुझे, ऐसे होता था, ऐसा होता था। और बहुत सारी गैस की दवाइयाँ भी खाई थी, बहुत सारे खाली पेट वाली गोली, ऐसा कोई ऐसा कोई दवा नहीं है गैस की कि हम नहीं खाए, सब खाई। और 4 साल में सब कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिया, 4 साल में मैं सब कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिया, बट आप ठीक नहीं हो रहे थे। फिर देखिए दोस्तों, मैं इसको भी इंटरप्ट करूंगा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये कह रहे हैं कि इन्होंने 4 साल में सारी दवाइयाँ ट्राई कर ली, इवन डॉक्टर्स ने इनको कहा कि आपको किसी साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, इतनी दवाइयाँ खाने के बाद भी ये ठीक नहीं हुए। तो दोस्तों, अगर आप एज एन इंटेलिजेंट पर्सन सोचें कि अगर किसी को कोई भी बीमारी है, सपोज करो कि किसी को बुखार हुआ, तो बुखार के लिए इंसान कितने दिनों के लिए दवाइयाँ लेता है? 1 हफ्ते के लिए दवाई ले लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इंसान को सपोज और बड़ी बीमारी हो गई, टाइफॉइड हो गया, तो 2 हफ्ते की दवाई ले लेगा। किसी को टीबी हो गई तो 6 महीने की दवाई ले लेगा। बट एक इंसान 4 साल से लगातार दवाइयाँ 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 खा रहा है और उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जिस रास्ते ये चल रहा है वो रास्ता ठीक नहीं है। तो ये दवाइयों से कभी ठीक हो ही नहीं सकता है ना, कि अगर ठीक होना होता तो 4 साल एक बहुत लंबा समय है जिसमें इंसान ठीक हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर हम कोई भी दवाई खाते हैं, ये दवाइयाँ जो हैं ये केमिकल्स हैं, तो ये कुछ फायदे करते हैं और बहुत सारे नुकसान भी करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो लंबे टाइम तक ये एंटासिड्स की दवाइयाँ खा रहे हैं, प्रोकाइनेटिक दवाइयाँ खा रहे हैं, और उनको बहुत तरह के खतरनाक गंभीर साइड इफेक्ट्स भी होने शुरू हो जाते हैं। तो बिट्टू, फिर जब 4 साल से ये समस्या आपको हुई जा रही थी, तो आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? मैं सर जब सारे जगह में डॉक्टर को दिखा दिखा के जब थक गया हूँ, तो मैं यूट्यूब में सर्च किया, तो मैं जब यूट्यूब में सर्च किया तो आपका नाम मतलब सजेशन में आया, तो मैं वीडियो देखने लगे, तो देखते देखते मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास हुआ। तो मैं एक दिन फ़ोन किए इस नंबर पे जो नंबर रहता है हेडलाइन पे, तो मैं फ़ोन करके मैं पता किया, उसके बाद मैं एड्रेस दिए, मैं फिर डॉक्टर साहब से मिला, मतलब आपसे मिले, तो आपसे बात करके मुझे एकदम पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं अब ठीक होंगे, तो यहीं से ठीक होकर जाएंगे। तो तब मैं आपसे परामर्श लेके मैं आपसे सर्जरी करवाया, और सर्जरी करवाने के बाद आज मेरा 2 हफ्ता हो गया। 2 हफ्ते में मैं पहले से बहुत बहुत बेटर, बहुत बेटर हो। तो जो आपको चीजें ऊपर आती थी, छाती में जलन, वो हो रही है अभी कि नहीं हो रही? जलन, छाती में जलन, खाना ऊपर आना, या तो कुछ खाने पीने में दिक्कत, ऐसा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे व्यूअर्स जो बंगाल में हैं, त्रिपुरा में हैं, असम में हैं, बांग्लादेश में हैं, उनको क्या बोलना चाहते हो आप? मैं इतना ही बोलूँ सवाई के ज़्यादा मैंने पेटर कोनो समस्या जमन हाइटा सानिया और जो बड़ो बड़ो समस्यागुल पेटर है सेगल जदि कोकम जो असुविधा है, तो अपनारा डायरेक्ट আমি জাভেদ স্যারের সাথে কন্ট্যাক্ট করুন, দেখা করুন, এখানে আসলে আপনার যে রোগগুলো সেগুলো নিশ্চিত ঠিক হয়ে যাবে। আমি এটাই বলতে চাই সবাইকে, একবার মানে কারোর যদি এই সমস্যা থেকে থাকে একবার ডাক্তারের সাথে দেখা করুন।
तो दोस्तों काफ़ी बार आप लोग भी कमेंट करते हैं कि आपने नंबर ट्राई किया, रिस्पांस नहीं मिला। तो दोस्तों ये हम जानबूझकर नहीं करते, जो आपके डॉक्टर हैं डॉक्टर अमित जावेद वो बीच बीच में बिजी भी हो जाते हैं, सर्जरीज करते हैं। हमारा दिन बहुत जल्दी सुबह बहुत जल्दी से शुरू होता है और रात को भी हम बहुत लेट फ्री होते हैं, बट उस बिजी शेड्यूल में भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जितने ज़्यादा लोगों से मैं इंटरेक्ट कर सकूँ, जितने ज़्यादा लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई कर सकूँ, मैं करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। बट हाँ, फिर भी ऐसा हो सकता है कि कुछ पेशेंट्स का मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जानबूझ के नहीं देता, कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों टाइम के कमी होने की वजह से वो चीज़ मैं नहीं कर पाता हूँ, और मैं सिंसियरली उसके लिए आपसे अपोलोजाइज करता हूँ, आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो अगर दोस्तों आपने देखा कि दो हफ्ते के बाद बिट्टू हल्दर पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं, जो चार साल की इनकी समस्या थी जिसके लिए लोगों ने इनको इवन बोल दिया कि आप डिप्रेशन में चले गए हैं, एंजाइटी में चले गए हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाइए, ये एकदम सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस करना शुरू इन्होंने कर दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो इनका जीवन है वो बिल्कुल नॉर्मल अपना जीवन ये व्यतीत करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको भी ये समस्या है, एसिड रिफ्लक्स, छाती में जलन होती है, चीज़ें बैक होती हैं, मुँह में खट्टा पानी आता है, गले में दर्द होता है, हेडेक्स होते हैं, सांस की समस्या होती है, आपकी एंडोस्कोपी हुई है जिसमें डॉक्टर ने बताया है कि आपको एसिड रिफ्लक्स है, आपका वाल्व ढीला है, या आपको हाइटस हर्निया है, तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करिए। हम दिल्ली में फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में काम करते हैं इस वक्त, तो आप मुझसे यहाँ पर आके आप मुलाकात कर सकते हैं। मैं यूजुअली मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक हॉस्पिटल में अवेलेबल होता हूँ, बीच बीच में सर्जरीज भी होती हैं, और हमारी कोऑर्डिनेटर सरला हैं, उनसे भी आप कोऑर्डिनेट करके आप मुझसे मिलने आप आ सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और एक अच्छा नया जीवन जी पाएंगे।